हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम ब्रेकफास्ट के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। करते हैं। सबसे पहले पैन गरम करेंगे। पैन गरम हो गया है, अब उसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें मूंगफली के दाने डालेंगे और थोड़ा भून लेंगे। मूंगफली को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। मूंगफली चटकने लगे और गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कटे हुए आलू लेंगे और उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको लगे कि ऑयल ज्यादा है तो आप अपने अनुसार कम कर सकते हैं। अब इसमें एक चम्मच जीरा, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बारीक कटा हुआ अदरक, करीब 6-7 करी पत्ता डालकर फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी, कटा हुआ टमाटर, डालकर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे टमाटर आसानी से गल जाए। टमाटर गल चुके हैं, अब इसमें फ्राई करे हुए मूंगफली व आलू डालेंगे। अब इसमें 250 ग्राम साबूदाना डालेंगे। ध्यान रहे, साबूदानों को अच्छे से पानी में धोकर 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे और इसका पानी निकालकर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए। अब इसमें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, याद रहे हम टमाटर में ऑलरेडी नमक डाल चुके थे, डालकर मिला लेंगे। अब इसमें नींबू का रस,
बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और गैस बंद कर देंगे और सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और फिर धनिया के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।